गैस देखिए, मम्मी ने हाथ से निकाल के पैर में लगाया अभी। लाइट पड़ा है नहीं, कट कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सब लोग अच्छे हैं हमारा घर में, क्योंकि बारिश तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। वो बंद कर देना चाहिए टीवी का, तो बहुत बारिश हो रहा है। बारिश की वजह से इनका स्कूल भी जल्दी छूट रहा है। आज भी 11 बजे छूटा था। तो ये लोग आने के बाद मैं थोड़ा सा काम की, खाना पीना खा के अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी बाहर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। जो आप लोगों को बाहर का मैं व्यू दिखाऊं या बाहर का कुछ सीन दिखाऊं, घर में ही अभी 4 महीना ब्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए सच में नहीं हो रहा, बहुत बारिश हो रहा है ना। तो इसके लिए आज मैं सोचा क्या, जो नेल में लेके आई थी मॉल से, तो मैं वो नहीं लगा पा रही हूँ। कब लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी मुझे, और वो लगाने के बाद आटा गूंदने को, खाना बनाने को प्रॉब्लम हो जाता है। जिसका घर में काम करने के लिए कोई रहते हैं तो लोगों के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है सब लगाना। बट मेरे लड़की का इच्छा है कि मैं उसको, वो मुझे वो लगा के देगी, तो सोच रही हूँ आज ही लगा दूँ और थोड़ा टाइम के बाद रील्स वील्स बना के निकाल दूँ। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग आप लोगों को बस यही देखने के लिए मिलेगा और कुछ भी नहीं। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, मैं आज ये लगा के दिखाऊंगी। मुझे नहीं आता है लगाना एक्चुअली, ये लगा के देगी। तो कंटिन्यू स्टिकर वाली थी देखने, और हाथे चुपकी है दिला। निकालते समय भी इसको ही बोलूंगी निकालने के लिए। आज ही निकाल दूंगी, मेरे को बेजार आया तो निकाल दूंगी। इसमें ये होगा, ये होगा, देखो ना पहले। मुझे नींद लग रहा था, ये लड़की ने बोला ये करेंगे टाइम पास, सो जाती है। और अभी सोऊंगी तो रात को बहुत लेट सोऊंगी, और लेट सोने से वजह से मेरा ये पूरा ब्लैक हो गया लेकिन नहीं टाइम से। और गाइज, हम बिग बॉस भी देखते हैं। बिग बॉस का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पंखा फैन। तो बिग बॉस में जो भी हो रहा है ना, सच में गाइज अच्छा नहीं लग रहा है हमको देखने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हम किसी का नाम मेंशन नहीं करेंगे, बट हम भी जब से बिग बॉस देखना स्टार्ट किए हैं, सलमान खान जी भी आते हैं, जो कलर्स टीवी में जो बिग बॉस देता है, ओटीटी में जो बिग बॉस देता है, हम देखते ही है। और हम हर बिग बॉस फॉलो करते हैं, है ना, हमारा फैमिली में सब। ऐसा नहीं कि किस दिन भी बिग बॉस हम लोग मिस किए करके, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी बिग बॉस अभी ओटीटी में हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो नियम है तो नियम है, नहीं तो बिग बॉस को कौन भरोसा करके नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा खेलने के लिए। बिग बॉस जो भी नियम किया है ना, वो नियम को बिग बॉस को ही पालन करना पड़ेगा, पब्लिक को नहीं करना पड़ेगा। और बिग बॉस जब ऐसा गद्दार जैसा काम करेंगे, ये लिखा रहता है ना, ये सब अलाउड नहीं है करके, और वो सब बिग बॉस के अंदर जाके जब हो जाता है ना, तो बिग बॉस को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो। हमने बोल रहे किसी को कौन हाथ उठाया, मार दिया, ये हुआ वो, उसका हम कभी भी ये नहीं करेंगे। लेकिन जो नियम है बिग बॉस का, वो नियम करना चाहिए। सलमान खान होता तो पूरा धुलाई कर देते थे, है ना, सलमान खान का आगे कुछ भी नहीं चलता। बट ये जो अभी इनको रख के कुछ भी मजा नहीं लग रहा है, बट देखना पड़ता है, मजबूरन। जो चीज़ हम जो शो देखते हैं ना, उस शो, हम वो शो को हम कंप्लीट करते ही है ख़त्म होने तक। बट अभी देखिए यूट्यूब में भी जितना चल रहा है ना बिग बॉस के बारे में, तो ऐसे शो में जाने का क्या ज़रूरत है। जब आप लोगों का ये सब प्रॉब्लम होता है तो नहीं जाना चाहिए ना, जाके अपना स्थिति जाओ, अंदर का बात निकल जाता है बिग बॉस में, ऐसे अच्छे अच्छों का धुलाई हो जाता है बिग बॉस में। तो जो भी बिग बॉस जाते हैं वो लोग सोच समझ के जाना चाहिए, कोई भी मुँह उठा के जब चले जाते हैं ना, ये अच्छा नहीं है। वो लोग बोलते हैं फेमस तो हुए रहते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं और फेमस हो जाएंगे, बिग बॉस में जाएंगे और सेलिब्रिटी बनेंगे, ये बनेंगे बोलते हैं, और फेमस होने का चक्कर में जाते हैं, और फेमस होने का चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। तो रियलिटी शो में नहीं जाना चाहिए, वो रियलिटी शो है बिग बॉस, कोई शो नहीं है जो पिक्चर या सीरियल जो नहीं है जो कि हाँ चलेगा। रियलिटी शो में जाके फिर अपना अंदर का सबको बाहर निकालना, सब जा जाते हैं बिग बॉस में। क्या अभी यूट्यूब में कोई भी ब्लॉगर करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, तो हम लोग जैसे दिखाते हैं और थोड़ा बहुत हमारा खराब पार्ट कट भी कर देते हैं एडिटिंग के टाइम पे। कट करने के बाद हम उन पब्लिक को नहीं दिखाते हैं, कट करके हम आप लोग को दिखाते हैं कि जो हाँ वो सही है करके। लेकिन बिग बॉस में ऐसा नहीं करेंगे ना, बिग बॉस तो पूरा दिखाएंगे। जो आप शूटिंग मतलब ये करते हो ना, जैसे कि जो भी आपका गलत हो, बुरा हो, भला हो, वो दिखाएंगे, वो तो समझ में आना चाहिए सब लोगों को। शिवानी भी जो कर रही है, जो भी वो जैसे है वैसे कर रही है, लेकिन उसको भी कितना फेक बोल रहे हैं। लेकिन एक एक बार उसका ब्लॉग देखो, ब्लॉग में भी तो नटखटी जैसा है ना, नटखट जैसा काम कर रही है ना ब्लॉग में, तो उसको कौन ऐसे फेक बोल रहे हैं। फेक मतलब सब लोग फेक है ना, सब तो यूट्यूबर ही गए हैं इस बार कि नहीं। और वो फेमस वाला विशाल, विशाल विशाल नहीं, ये जो दो बीबी है उसका,
नहीं वो तो अरमान, विशाल, अरमान का, विशाल का चैनल, सब फेमस है, सब यूट्यूबर है और सबका मिलियन ही है, लेकिन उन लोगों को क्या जरूरत है, पैसे का क्या कमी है, भगवान जितना देता है ना उतना में खुश होना चाहिए। ये लोग क्या सोचते हैं और कमाएंगे और फेमस होंगे और ये करेंगे, ऐसे जितना ऊपर चढ़ेंगे ना उतना नीचे भी गिरेंगे, तो सोच समझ के जो भी करना है करो। तो चलो मुझे बस इतना ही कहना था, आज मेरा कुछ भी ब्लॉग नहीं है, बस ये लगा रही थी इसलिए मैं थोड़ा बक बक करने लगी नहीं तो मेरे को क्या जरूरत है दूसरे का बीच में पढ़ने के लिए। वैसे भी बहुत लोग ब्लॉग बना रहे हैं उन लोगों का खिलाफ भी, उन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग, लेकिन हमको क्या, हम छोटे मोटे यूट्यूबर तो हम कभी बोलेंगे नहीं, जो कि हमारे हमको तो कभी यूट्यूब से कुछ मिला नहीं है तो नहीं बोलेंगे। देखा अच्छा से पहला दबा के रखो। बस गाइस जो भी होता है अभी हम किसी को अंदर जो लोग भी रहते हैं ना किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, सब लोग बराबर है, आज इसने गलती किया तो कल उसने गलती कर, तो कोई ना कोई भीतर घुसा देवा मजा आ गया। कैसे मैं खोलूंगी, गरम पानी बहुत घट है, बहुत बाबा खोलने से नहीं होगा सच्ची खोल नहीं पाएगी, ऐसा खोल नहीं पाएंगे अभी इसको, तो मैं जिंदगी में पहली बार ये मैं लगाई हूँ, इसको बाद में से देना पड़ेगा, नहीं तो इतना तो लड़की जैसा बहुत बड़ा लगा। हम किसी को जज करने वाले नहीं हैं, हम कौन होते हैं लोगों को जज करने के लिए ना, बस हम एक किस्सा है बिग बॉस का भी, यूट्यूब का भी, जो कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो हम लोगों का हक बनता है बोलने के लिए, क्योंकि हम भी उन्हीं का फैमिली है। आगे उन लोगों का मर्जी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि एक सब काम सॉल्व करने वाले हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमको बोलना था वो हम बोलते हैं, क्योंकि बिग बॉस का मैं सच में बहुत बहुत देखा, आप बाद में देखना तो ठीक है, मैं बाद में देखूँगी, तो लगाते रहे मैं इधर बातें करती हूँ, तो क्या और बोलेंगे बताओ। देखा तो और क्या देखूँ बाद में, ठीक से लगा रही है ना। सो गाइस तो देखिए, लेकिन मैं अभी ये निकालूंगी, इसमें लगाऊंगी, एक उंगली छोड़ के एक उंगली में लगाऊंगी पूरा चुड़ैल की जैसे क्या करेंगे बता, क्या मेरे को पैर में लगाना है, मुझे एक्चुअली पैर में लगाना है, मुझे बहुत पसंद है पैर में लगाना, क्या करूँ आपको क्या मतलब, यहाँ पर मुझे पैर में लगाना है, 5-6-7 इसमें मतलब वैसे भी काम करूँगी ना मेरा, वो हो जाएगा तुम कल, बहुत ही अच्छा लगा। अगर ये रियल बड़ा होता आप काटते, मतलब थोड़ा नहीं थोड़ा थोड़ा काटते, 5 दिन करते लेकिन पूरा नहीं करते ना, तो अभी इसको निकालूंगी मैं पैर में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं खाना बनाती हूँ घर में। देखिए गाइस, एक दिन ऐसा था कि मेरा खुद का नेल ऐसा था, नाखून ऐसा इतना बड़ा था, वो मैंने कट कर दिया 2-3 महीना पहले, अभी मुझे नकली लगाना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है। देखिए मेरी लड़की मुझे सजा रही है अभी, लेकिन सच में वो निकलेगा नहीं, ऐसा स्ट्रॉन्ग तो है, पार्लर में जाएंगे थोड़ा महंगा वाला लगा के देते हैं जो कि परमानेंट रहता है। काय कर दो, देखिए गाइस देखिए, तो नखून तो लग चुका है और अब जा रही हूँ मैं रील्स का तैयारी करने, रील्स बनाऊंगी और चाय पानी नाश्ता करना है, नींद मुझे आ रहा है एक्चुअली, लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ मजबूरी में, क्योंकि मुझे रात को जल्दी सोना है, खाना है लेकिन खा नहीं पा रही और आपको भी देना है लेकिन दे नहीं पा रही, अफसोस। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये लड़की किसके बारे में बात किया मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती इस बात को, कि ऐसा भी बात किया जाता है, ऐसा भी बात किया जाता है, इसका कहने का वही मतलब है, पता कुछ नहीं क्या क्या बोला गया बोल बोलना एक बार मुझे आपको बिस्किट देना है लेकिन दे नहीं पा रही और है लेकिन दे नहीं पा रही इसको किसी ने ऐसा बोला है, तो वेरी वेरी फनी, जो कि वो दोहरा रही है, मतलब मुझे बिस्किट भी नहीं चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था लेकिन उसने वैसे बोला तुझे कैसा, हाँ सच में इसको कुछ लालची जैसी नहीं है ये उस चीज़ के लिए, ओ हाँ कोई कुछ देंगे तो मैं खाऊंगी ऐसा वो नहीं सोचती है, सो किसी ने ऐसा बोला उसको तो वो बात को दोहरा रही है कि हाँ मैं देना चाहती हूँ बट दे नहीं पाती हूँ, एग्ज़ाम में भी पास होना चाहती लेकिन पास नहीं। तो गाइस चलिए अभी मैं इसको एंड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा आज का यही है बस, और कुछ मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, खाना पीना ये सब कुछ नहीं दिखाऊंगी, बस नखून का था थोड़ा बिग बॉस का बात कर लिया मैंने, जो कि मेरे दिल में भरा भरा था, जो मैं बोलना चाहती थी, स्पेशली मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी उस बारे में, बट नहीं बना पाई, तो आज वैसे भी ये लगाते लगाते ही मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया, जब मैंने गलत सुलत बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, बट मैंने गलत नहीं बोला जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस को बहुत फॉलो करती हूँ और बिग बॉस में कुछ सीखने के लिए मिलता है,
छोटे बड़े बूढ़े बूढ़ी से सब लोग देखते हैं बिग बॉस, ऐसा शो है। जब बिग बॉस ही ऐसा काम करेगा तो बाद में कोई देखेंगे नहीं और उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो देखने के लिए। तो बिग बॉस को भी वो समझ में आना चाहिए, और मैं करके नहीं सब लोग वही बोल रहे हैं जो कि बिग बॉस शो में ये सब हो रहा है। बस इतना ही कहना है और कुछ भी नहीं। तो आगे उनका मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस जिसका जिसका जो जो राय है वो बताना पड़ता है, तो हम लोग भी बता दिया और क्या। तो चलिए मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आज का मेरा ये नखून वाला वीडियो पसंद आया आप लोगों को, तो ज़रूर सा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग ज़रूर देखिए, जो मुझे ना पसंद करते हैं वो मत देखिए। तो चलिए ये भी लगा रही, देखा क्यों ऐसे छोड़ दी टीचर, देखेगी तो रियली थोड़ी ना लगा रही है, तो ऐसे ही लगा रही थी ना। हाँ तो गाइस देखिए मेरा हाथ कितना सुंदर दिख रहा है, गोरा गोरा होके। ओ हीरोइन का हाथ जैसा दिख रहा है, देखिए वो निया जैसा, निया हाँ, निया चुड़ैल, सुहागन चुड़ैल, सुहागन चुड़ैल का हाथ जैसा दिख रहा है, उसका शोरबा सिंगर मिले नहीं रहा उसे। हाँ तो गाइस देखिए मेरा हाथ, वाह कितना सुंदर दिख रहा है, काश मेरा हाथ के जैसा मेरा मुंह दिखता। दो बच्ची का माँ बन गई, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, 9th में 10th में चले गए हैं, और थोड़ा सालों में शादी करने का उम्र हो जाएगा, और मैं क्या यंग होंगी, मैं तो बुढ़ी ही बनूंगी ना। तो कोई नहीं, उसमें कोई दुख का बात नहीं है, बस चलिए बाय।